ये है न्यूज जम्मू नेटवर्क, आवाज आपके हक की। मैं तैयार, लेकिन घरों में बहुत सारी बातें होती हैं। इरफान खान आया, उसने ये कर दिया, जफर उल्लास लोग और वो अंदर से चू चू करते हुए कुछ लोग छोकरे, उन्हें कहो कि बाकी कोई दावा करता है। ये खास चीजें लोगों से गुफ्तगू की, पार्टी के साथ गुफ्तगू की, तो पार्टी का जो लोग थे उनका जोर इस बात पर था कि आप अपनी पार्टी को आपसे आप वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इसके अलावा पार्टी के अंदर भी कई चीज़ों को लेकर हमारे अंदर कुछ इख्तलाफात थे, जिनको तमाम कोशिश के बावजूद और जितना भी मेरे बस में था मैंने कोशिश की थी कि वो आयरन आउट हो जाएं, वो नहीं हो पाए। पिछले 15-20 दिन में मैंने इंतहाई सब कुछ बर्दाश्त करके भी, जो मेरा मिजाज नहीं है, सबका ताल्लुकात की रोशनी की वजह से मैंने कोशिश की थी कि दूरी इख्तियार ना करूं, बल्कि हमारे अल्ताफ़ साहब के साथ ज़ाती ताल्लुकात बड़े पुराने हैं और अपनी पार्टी को छोड़ना मेरे लिए कोई इतना आसान फैसला नहीं था, क्योंकि ये जमात बनाने में मेरा पूरा कलीदी रोल है, बल्कि मैं उन पहले चार लोगों में जिन्होंने ये पार्टी बनाई थी। लेकिन हालात ने ऐसा रुख किया, इख्तियार किया कि मुझे लगा कि अब अपनी पार्टी को मेरी ज़रूरत नहीं, या मैं अपनी पार्टी में रह के वो रोल प्ले नहीं कर सकता हूँ जो मुझे करना चाहिए। तो एक घुटन का माहौल हो गया था, तो मैंने बेहतर समझा कि दोस्तों की तरह हम अलग अलग हो जाए। हमने यहाँ तक सुना है कल जो कोर मीटिंग थी अपनी, इसमें मिल गया कि जब तक आप पार्टी के अंदर हैं आप पार्टी के डिसिप्लिन के पाबंद हैं। शराफत का ये तकाजा है कि पार्टी के अंदर आप उस डिसिप्लिन की भी पाबंदी करें और वहाँ जो राज व नियाज हो उसका भी एहतराम करें। तो कल मैं पार्टी के अंदर था तो मैं मीटिंग में गया, मैंने वहाँ अपना मुद्दा रखा, मैनिफेस्टो डिस्कस हुआ, मैंने अपनी राय रखी, सारी चीज़ें रखी। उसके बाद मैंने प्रेसिडेंट साहब से बैठा, मैंने उनसे बात की, मैंने उनसे पहले ही कहा था कि मैं आपके मैंडेट से नहीं ला पाऊँगा शायद। फिर उन्होंने भी कुछ ऐसी चीज़ें की, बहुत सारी चीज़ें हुई जो मुझे नहीं कहनी चाहिए, क्या ज़रूरत है कहने की। तो मैंने फिर आज सुबह, कल ही मैंने माइंड बना लिया था, आज सुबह मैंने उनको बड़ी ही बाअदब तरीके की छोटी सी चिट्ठी लिखी, उसमें मैंने उन्हें कहा कि आप भी शायद यही चाहते हैं, मैं भी यही चाहता हूँ कि हम अपनी अपनी राह पर चलें, लेकिन ज़ाती ताल्लुकात को मुतासिर किए बगैर। मेरी दुआ है मेरे उनके ज़ाती ताल्लुकात पर असर ना हो। उसके लिए शर्त यह है कि मर्द सिलिंगी ना वहाँ से हो। मैं तो अपने किसी वर्कर को मर्द सिलिंगी करने नहीं दूंगा। मुझे उम्मीद है कि वो अपने उनके अंदर कुछ लोग बड़े ही बेलगाम हैं, वो उनको लगाम देंगे।